स्टूडेंट्स, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन डायग्राम कुछ इस ऐसे बनेगा. अ पॉइंट हम ए सपोज कर लेते हैं ग्राउंड पर. इस पॉइंट से अगर हम किसी एरोप्लेन को 3600 √3 मीटर की हाइट से इस एरोप्लेन को यहाँ देखते हैं, इस पॉइंट को हम ए सपोज कर लेते हैं और एरोप्लेन कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं. एरोप्लेन पहले इस पॉइंट ए के साथ एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बनाता है और आफ्टर 30 सेकेंड के बाद एरोप्लेन पॉइंट ए से, दिस पॉइंट इज ए और इस पॉइंट को हम बी कंसीडर कर सकते हैं, बी से सी पॉइंट पर 30 सेकेंड के बाद पहुंच जाता है. फिर इस पॉइंट से हम इस एरोप्लेन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का रह जाता है और एरोप्लेन की हाइट ग्राउंड से सेम रहेगी 3600 √3 मीटर. ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी और ई, इस डिस्टेंस को हम एक्स सपोज कर लेते हैं और बी सी डिस्टेंस 30 सेकेंड में एरोप्लेन ने कवर की है. तो अगर हम एरोप्लेन की स्पीड को सपोज करते हैं, लेट स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज बी मीटर पर सेकेंड, तो जो डिस्टेंस बी सी है, डिस्टेंस बी सी हमारी आएगी स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड हमने वी मीटर पर सेकेंड और टाइम है 30 सेकेंड, मीन्स की डिस्टेंस जो हमारी बी सी है वो 30 वी मीटर आ गया. अगर ये 30 वी मीटर इतने डिस्टेंस है तो ये भी 30 वी मीटर डिस्टेंस ईडी भी हो जाएगी. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को यूज करके वैल्यू को फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ द एरोप्लेन. सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ए ई बी. राइट एंगल ट्राइंगल है ए ई बी में जो बी ई है परपेंडिकुलर है. बी ई इज परपेंडिकुलर अपॉन ए ई. ए ई है इस ट्राइंगल का बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है टेंजेंट. और टेंजेंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये है हमारे पास 60 डिग्री. हमें क्वेश्चन में दिया है तो टेंजेंट 60 डिग्री आ गया. परपेंडिकुलर बी ई हमारे हाइट दी है एरोप्लेन की फ्रॉम द ग्राउंड 3600 √3. अपॉन बेस को हमने एक्स लिया है इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री जो होता है की वैल्यू √3 होती है. √3 को हम इस √3 से कट कर सकते हैं 3600 और x जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास x की वैल्यू 3600 मीटर आ गई है. अब हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे ए डी ई. राइट एंगल ट्राइंगल लिया ट्राइंगल ए ई डी. इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. एंगल 30 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है क्योंकि हाइट जो होती है वर्टिकल हाइट ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द ग्राउंड. हियर ए डी ई में परपेंडिकुलर हमारा है सी डी और बेस हमारा डी से लेकर ई तक है. मीन्स ए डी बेस है और ए डी बेस को अगर हम टोटल करना चाहें तो एक्स प्लस 30 वी. तो टेंजेंट बना है ये परपेंडिकुलर अपॉन ये पूरा बेस. टेंजेंट बना एंगल यहाँ 30 डिग्री और परपेंडिकुलर जो सी डी है वो हमारे पास फिर से 3600 √3 वैल्यू है और ए डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ. ए डी को एक्स प्लस 30 वी और एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है 3600 मीटर प्लस 30 वी. तो यहाँ पर 3600 मीटर प्लस 30 वी इज इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं
रूट वन अपॉन रूट थ्री टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है. नाउ दिस रूट थ्री विल मल्टीप्लाई विद दिस रूट थ्री, तो 3600 इंटू रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा. और 36 प्लस 30 भी 1 से मल्टीप्लाई जब हुआ तो 3600 प्लस 30 भी इस तरह से वैल्यू आ गई. रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. 3600 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 10,800 मीटर इज इक्वल टू 3600 मीटर प्लस 30 भी इस तरह से आ गया. अब हम 30 भी की वैल्यू को यहाँ सॉल्व करते हैं. ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था, क्वेश्चन का पार्ट था, और ये सेकेंड, ये हमने सपोज किया था. अब हम थर्ड पार्ट के लिए इसको सॉल्व करेंगे. अब 3600 को जब आपने 10,800 माइनस 3600 किया और राइट साइड में 30 भी रह जाता है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7200 और जीरो से जीरो कट गया. 3 से 72 को कैंसिल करो तो 24 और साथ में 0 240 इज इक्वल टू बी. तो बी मीन्स की स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन मीटर पर सेकेंड आता है 2,240 मीटर पर सेकेंड. ये इसकी स्पीड है एरोप्लेन की मीटर पर सेकेंड में. बट हमें क्वेश्चन में कहा था कि स्पीड को किलोमीटर पर आर में फाइंड आउट करो. तो जब हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन यूनिट है 1 मीटर पर सेकेंड 18/5 किलोमीटर पर आर आ जाता है. तो इसको जब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आर आएगा. 5 को जब 240 से कैंसिल किया तो यहाँ आता है 48 और भी 48 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 824 किलोमीटर पर आर कर सकते, इसकी स्पीड आ जाएगी एरोप्लेन में. डियर स्टूडेंट, यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, आप खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें.